हमारी तो पूरी कोशिश थी कि इस तस्वीर की जगह माला की तस्वीर हो, पर वो हरामजादी न जाने कौन सा अमृत पीकर आई है कि मरने का नाम ही नहीं लेती। वो तो शुक्र है भगवान का कि किसी को हम पर शक नहीं हुआ, वरना अब तक हम तो जेल की चक्की पीस रहे होते। खुरदार, अपनी महबूबा का दामन थामे हुए आगे बढ़िए। अब हमारी आंखों में आंखें डाल के जवाब दीजिए, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि मैं किसी कीमत पे भी इस लड़की को नहीं अपनाऊंगा, हाई कोर्ट में मुकदमा लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। कहा था, और ये भी तो कहा था कि मैं 7 साल की सजा काटने को तैयार हूं, मगर इस लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। ये भी कहा था। तो फिर आज क्या हो गया, कौन सा तूफान उमंड पड़ा कि जिस लड़की को हमारा खानदान अपने पैरों की धूल समझता है उसी को तुमने अपने सर पर बिठा दिया। जिस लड़की ने हमें शहर भर में बेइज्जत किया उसे तुम अपने दिल में बसा बैठे। जिस लड़की का रुतबा हमारे घर में एक नौकरानी से भी ऊंचा नहीं होना चाहिए था उसे तुमने हमारे बराबर लाकर खड़ा कर दिया। क्यों राज, क्यों? वो मेरी भूल थी जिसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। जिस भूल पे तुझे आज शर्म आ रही है वो भूल भी तू नहीं की थी। गलत, उस भूल के जिम्मेदार भी आप हैं। बचपन में जब मैंने माली की पीठ पर कोड़े बरसाए थे तो आपने क्या कहा था, हम अमीर हैं, ये हमारा पैदाइशी हक है कि हम जुल्म करें, वो गरीब है, जुल्म सहना उसका मुकद्दर है। गरीब और अमीर की खाई मेरे दिलो दिमाग में किसने खोदी? आपने। पैसों की तलवार मेरे हाथों में किसने थमाई? आपने। इंसान को इंसान ना समझने की तालीम किसने दी? आपने। वाह भांजे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अफसोस नहीं हुआ बल्कि खुशी हुई कि तुमने बोलना तो सीखा। अल्फाज जरूर तुम्हारे हैं लेकिन जबान इस नागिन की है। मामा जी, तुम्हारी रगों में कल तक मेरी बहन का दूध और मेरे जीजा जी का खून दौड़ता था, लेकिन इसने तो अपना पूरा जहर भर दिया तुम्हारे जिस्म में। जिस देवर ने कभी अपनी भाभी से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी वही आज अपने बाप से बदतमीजी कर बैठा। सारे फसाद की जड़ ये है, ये जिस दिन से इस मनहूस ने इस घर में कदम रखा है कौशल्या जैसी नौकरानी हमारी चौखट पर थूक कर चली गई और मेरी प्यारी भांजी सुधा भगवान को प्यारी हो गई। अरे जन्म जली, क्या तू पूरे खानदान को निकल कर ही जाएगी? उठाकर फेंक दो इसे घर से बाहर। खबरदार जो किसी ने भी। क्या करेगा तू? मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बाप हैं और मैं आपका बेटा। तो क्या मुझ पे हाथ उठाएगा तू? उठा उठा बदतमीज, उठा, उठा ना। सबसे पहले मैं इस फसाद की जड़ को बाहर निकालता हूँ। ऐसी गलती मत कीजिए कि लोग आपको राय बहादुर कहना छोड़ दें। चलिए अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। माला, माला, Thank you.
डॉक्टर साहब, मेरी माला बच जाएगी ना? उसकी हालत बहुत नाजुक है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बट वी आर ट्राइंग। हेलो इंस्पेक्टर खानिया। इंस्पेक्टर खान, मैं ज्वेल हॉस्पिटल से डॉक्टर सुष्मिता माथुर बोल रही हूँ। एक केस रिपोर्ट करवाना है, इंजरी ऑफ द स्कल। केस बहुत सीरियस है। किसको चोट लगी है? मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट राय बहादुर जी की बहू माला को। माला को? जी हाँ। मैं अभी आता हूँ। डॉक्टर, डॉक्टर, पेशेंट की पल्स सिंक हो रही है। माला के हत्यारों, वो तो मर गई, अब तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। राज, माला कैसी है? राय साहब, आप फौरन मामा जी और शारदा देवी को लेकर शहर से बाहर चले जाइए। मैं कोर्ट में साबित कर दूंगा कि वारदात के समय आप लोग शहर में थे ही नहीं। नहीं। हेलो, राय बहादुर के कानूनी दलाल, दे फोन मेरे बाप को। राज, मिस्टर राय बहादुर, अगर मेरी माला को कुछ हो गया तो समझ लेना तुम्हारा छोटा बेटा मर गया, साथ में बड़ा बेटा भी मर गया। बाबूजी, क्या हुआ? जीजा जी कुछ बोलते क्यों नहीं? राय बहादुर साहब, कहां जा रहे हैं आप? हॉस्पिटल। लेकिन वहां जाने से केस उल्टा भी हो सकता है और हो सकता है आपको जेल भी हो जाए। अब तो फांसी भी लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दौलत, ये हवेली, ये सब कुछ मैंने किसके लिए बनाया था? अपनी छाती पर लाद कर ऊपर ले जाने के लिए नहीं, अपने बेटों के लिए, अपने जिगर के टुकड़ों के लिए। अगर वही नहीं रहे तो। जीजा जी, राज ने कहा क्या? सिर्फ राज ने ही नहीं, मेरे दोनों बेटों ने इस बरसों की मेहनत से बनाई हुई हवेली को एक ही ठोकर में रेत के घिरौने की तरह बिखेर दिया, मेरे अहंकार के मुंह पर थूक दिया। कहने लगे, जाओ राय बहादुर, हम तुम्हारी औलाद नहीं, खरीद सकते हो तो अपनी दौलत से दो बेटे खरीद लो। वाह ऊपर वाले, तूने आज एक ही ठोकर में मेरी सारी दुनिया मिटा दी। जीजा जी, जीजा जी, ये बुढ़ा तो सटिया गया है, खुद तो मरेगा, साथ में हमें भी जेल की चक्की पिसवाएगा। वकील साहब, अब आप ही कुछ करिए ना। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं रहा, सब कुछ माला के बयान पे डिपेंड करता है। मतलब कि हमारी जान अब माला की मुट्ठी में कैद है? बिल्कुल। कैसी है मेरी बहू? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, शायद ऑपरेशन करना पड़े। तो कीजिए, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर सर्जन को बुलाइए, जितने पैसे लगे लगा दीजिए। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ कोशिश नहीं डॉक्टर, मुझे मेरी बहू चाहिए। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। राय बहादुर दौलत के बगैर जी सकता है, मगर औलाद के बगैर बिल्कुल नहीं। डैडी, प्लीज संभालिए अपने आप को। Thank you.
मुझे माला का बयान लेना है। आप बाहर इंतजार कीजिए, जब ये होश में आ जाएगी मैं आपको बुला लूंगी। Okay. इंस्पेक्टर साहब, मैं अपना बयान देना चाहता हूं। आज सुबह सुबह मेरा और माला का झगड़ा हुआ और गुस्से में आके मैंने उसके सर पर। इंस्पेक्टर साहब, गुनहगार ये नहीं मैं हूं। ये आप लोग क्या? तुम चुप रहो जी, दोनों फांसी पर खुद ही चढ़ते हैं तो चढ़ जाने दीजिए, इनके मरते ही करोड़ों की दौलत हमारी हो जाएगी। हरामजादी, कितना बड़ा कुआं है तेरे अंदर, जितनी भी दौलत डाल दी जाए कभी भरता ही नहीं। रमेश, आप बीच में मत बोलिए डैडी, यही है वो जड़ जिसने इस खानदान की हर शाख को जहरीला बना दिया है। अरे तू औरत नहीं, डायन है, डायन। मेरे डैडी का घमंड टूटकर बिखर चुका है, लेकिन लेकिन तेरी भूख अभी तक नहीं मिटी। तो जैसी औरत को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देना चाहिए। कांग्रेचुलेशंस, माला की जान को अब कोई खतरा नहीं, आप लोग उससे मिल सकते हैं। बिल्कुल नहीं। जब तक इंस्पेक्टर खान माला का बयान नहीं ले लेता, आप लोगों में से किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं है। करतार सिंह, मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, जो सजा चाहो दे दो। माला, तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे लगी? जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हें किसने मारा। इंस्पेक्टर साहब, मुझे किसी ने नहीं मारा। फिर ये चोट कैसे लगी? सीढ़ियों से उतर रही थी, पाँव फिसल गया। तुम सच कह रही हो? जी। माला का कहना है कि पाँव फिसल जाने से उसे चोट लगी है, इसलिए अब कानून को किसी पर कोई शुबा नहीं। आप लोग अंदर जा सकते हैं। माला, मुझे माफ कर दो बहन। ऐसा मत कहो। एक औरत से उसका सुहाग छीनने की जो मैंने गुस्ताखी की है, वो तो माफी के काबिल भी नहीं है। गलती इंसान ही करता है, भगवान नहीं। शाबाश बेटी, तुमने हम सबको माफ करके ये साबित कर दिया कि इंसान पैसों से नहीं परवरिश से बड़ा होता है। और देखा पुत्र, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। दारजी, मेरी शादी हो गई, घर मिल गया, घर का सुख मिल गया, बस एक ही शिकायत है। लेकिन क्या पुत्र? मेरी बारात नहीं आई। ओए राय बहादुर, क्या बोलता है? अब राजा की आएगी बारात।